तो खबर ये है, ब्रॉयलर के खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 470 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम में भी 2 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 333 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,870 रुपये में फरोख्त। मज़ीद तफ़सीला जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखा में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतें कम की गई हैं। ब्रायलर की सप्लाई कम होने का बेहतर होने की वजह से खपत जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और कीमतें 470 रुपए फी किलो से कम करके 473 से कम करके 470 रुपए फी किलो मुकर्र की गई है ब्रायलर गोश्त। किसी तरह जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो 50 और 10 ब्रायलर है वो 650 रुपए फी किलो मार्केट में मुकर्र किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपए तक कमी देखने को मिल रही है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 312 तक के, परचून जिंदा ब्रायलर 324 रुपए फी किलो मुकर्र किया गया। तहम दूसरी जानी अंडों की कीमतों में कोई रतो बदल नहीं हुआ और अंडों की कीमतें 333 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,870 की फरोख्त की जा रही है, जबकि फी दर्जन अंडे जो है वो शहर में 340 से 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख किए जा रहे हैं। उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें अब भी अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि ब्रायलर जो है वो 200 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख किया जाता था जो अब 470 और 480 रुपए की सतह पर मौजूद है। इसी तरह अंडों की कीमतें जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। मार्केट में फी अंडा जो है 1,930 रुपए तक जो है फरोख किया जा रहा है। अंडों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया इकदाम करें। जी जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका।